महेंद्र कर्मा को जब मारा गया तो आपने ये बात सुना होगा कि उसके शरीर में कुछ लड़कियां नाची, उसमें से 3 लड़कियां वही हैं जिनके साथ महेंद्र कर्मा ने सामने में बलात्कार करवाया था। उस समय कलूरी सबके लिए ड्रमो ड्रम दारू का व्यवस्था करता था, जहाँ कार्यक्रम होना रहता था ना, आज 3 गांवों को भगाना है तो 3 गांवों को भगाने से पहले कई ड्रम दारू निकलता था, फिर मुर्गे और बकरे खाए जाते थे जो गाँव वालों से छीन के लाए रहते थे, और माइक को छीन लेता है और नारा लगवाता है कलूरी नेता टाइप का, माओवाद तो जनता चुप है, तो ये फिर बोलता था मुर्दाबाद बोलो मुर्दाबाद बोलो, अरे पुलिस वाले देखो उनको मुर्दाबाद बोलो मुर्दाबाद बोलो। हमारे अबूज मार के तो 18 सरपंच बाहर रहते हैं, वो उन्होंने अपने गांव नहीं देखे, लोग क्या करेंगे अपने सामने माँ का बलात्कार होते देख रहे हैं, अपनी बहन का बलात्कार होते देख रहे हैं, बहन अपने भाई की हत्या होते देख रही है तो क्या करें। अपने जो हसदेव अरण्य को लेकर जो धरने में बैठ गए थे मंत्री TS सिंहदेव, वो भी राजा हैं, और मज़ेदार बात अडानी से पैसा इन्होंने ही लेके उस समय चुनाव के समय 2018 में सारे विधायकों को इस पैसा बांटा था इसने, और अडानी के हेलीकॉप्टर में घूमे थे, तो हमको लग रहा था कि ये आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो और नुकसान हो जाएगा। कलूरी ने इस चीज को समझ के बिगाड़ा पूरा व्यवस्था को, जो जो लिख रहे थे उनमें से अधिकांश को इसने ठेकेदार बना दिया और सप्लायर बना दिया। अच्छा, किसी को कार तक गिफ्ट करवाया, कार गिफ्ट किया तो वो खुद कैसे कर, खुद कुछ नहीं करता था, बहुत सारा तो इनाम भी वो खुद बांटा है, सरकार ने थोड़ी दिया है। और PWD का पूरा भ्रष्टाचार कल्लूरी को मालूम है, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं। उसी के समय तो पुलिस को कंस्ट्रक्शन का भी काम मिलना शुरू हो गया था छत्तीसगढ़ में, मतलब पुलिस को भी ठेका दे रहा है, पत्रकार को भी दे रहा है, सरोज रूम कैंप में पेन, हनुमान चालीसा, गीता, ये सब सप्लाई हुआ, इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, सूचना के अधिकार निकाले हुए हैं। तो जो सप्लाई कर रहे हैं वो पत्रकार वगैरह, हाँ सब वो सप्लाई का काम, हाँ, दे दिया। और उसके अलावा ये ऑर्केस्ट्रा करवाता था जगह जगह, अच्छा, माओवादी विरोध में, हाँ ना, तो ऑर्केस्ट्रा का जो पार्टी आएगा उसको डांस करते थे, कुछ लोग आके गाना गाते थे, और उस पर जो है माओवादियों के खिलाफ प्रचार रहता था, समझ गया ना, तो ये कार्यक्रम कराने का ठेका भी पत्रकारों को मिलता था। तो जब कल्लूरी का ट्रांसफर हो रहा था तो मेरे को बहुत गाली बक रहे थे सब, बोले ये आदमी बोले हमारा सबको नुकसान कर दिया करके, पूरा मतलब 7 जिलों में वो पत्रकारों को ठेका देना, विज्ञापन का ठेका, मतलब हर जिले में विज्ञापन बढ़ता था ना माओवादियों के नाम से अलग बढ़ता था, मतलब माओवादियों के खिलाफ इनाम उनाम का सूची, AK-27 आत्मसमर्पण करेगा उसको इतना इतना, ये सब विज्ञापन सारे पेपरों के लिए बढ़ता तो अलग है। उसके अलावा कल्लूरी तय करता था कि PWD विभाग या दूसरे विभाग वाले कितना विज्ञापन किस पत्रकार को देंगे। अब बाद में वो पत्रकार जब वसूली के लिए चक्कर लगाता था तो उसको बाध्य किया जाता था कि आप जो है खबरें लिखना बंद करो, फील्ड में जाना बंद करो, गाँव जाना बंद करो। आदिवासियों को सुअर सप्लाई हुआ, तो ये कल्लूरी के साथ ही शुरू हुआ या कल्लूरी के समय शुरू हुआ, मगर अब सब कोई कर रहे हैं। तो ये बताइए कल्लूरी का दिमाग इतना कैसे चला, मतलब क्या बैकग्राउंड है उसका, उसका खुद भी इसके पीछे में कमाई उसने खूब किया, सारे अधिकारियों से उसका से उनके पैसा वो अलग वसूलता था, और सारे जो इनलीगल जो माइनिंग है वहाँ से पैसा लेता था, अच्छा, और वही पैसे को कुछ तो इसने कल्लूरी ने कुछ तो बांटा भी, अच्छा, या तो किसी पत्रकार को, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, एक पत्रकार हैं अवधेश मलिक News 18 के, तो वो इनके पास गए, और कई किस्से मिल जाएंगे आपको, मैं अभी उसका बता रहा हूँ कि बाइट लेना है, जो कल्लूरी IG थे बोले हाँ ठीक सुबह आ जाइए, तो ये गए सुबह तो पता चल रहा कि वो पूजा में बैठे हैं, 2 घंटा पूजा करके निकलते थे सफ़ेद टीका लगा के, अच्छा, तो ये खबर भी जो है मैं आया हूँ, तो बोले बाइट मैं नहीं दूंगा, वो उससे ले लो, क्योंकि कोई अधिकारी था उसका एक जो अक्सर उसके तरफ से पैसा बांटने का काम ही करता, तो उसके पास गया कि सर बोले हैं बाइट देने के लिए, आप दे रहे हैं, हाँ बोले आपका तो तैयार है, लिफाफा निकाला दे दो, ये बाइट बाइट वाइट क्या जी तुम पैसा लो जाओ। यहाँ दिल्ली से कुछ लड़के गए थे JNU से ही,
कोई मतलब आदिवासी भी स्टोरी करने उनको बोले यार तुम लोग प्रेम कहानी वगैरह पे क्यों स्टोरी नहीं करते कहा है वो मकसद आदिवासी वगैरह पे स्टोरी जाओ यहाँ से बोले सबको तो भगा देता था किसी को घुसने नहीं देता था तो बैकग्राउंड क्या था मतलब वो कैसे इतना कॉन्फिडेंस आया उसमें मतलब कुछ है कि भाई देखिए उसका डायरेक्ट डोभाल से संबंध अच्छा पर अभी भी वो शायद पता नहीं क्यों नहीं आना चाहता मगर सेंट्रल तो उसको बुला रहे थे डोभाल के साथ उसका डायरेक्ट संबंध है उसका एक आपको बता रहा हूँ मैं एक साक्ष्य सबूत बता रहा हूँ कि डोभाल के समय मोदी पिछले भाजपा सरकार के समय जब भाजपा की सरकार थी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह तो मोदी का दौरा हुआ तो मोदी जी डायरेक्ट इससे मिले सबसे पहले आके हाँ किस साल का बात है ये जबकि उन्हीं के रमन उन्हीं की पार्टी की इसका फोटो तो सब है मेरे पास हाँ ये चार पाँच साल पहले की बात पाँच साल पहले की बात अच्छा यानी कि दो मतलब रमन सिंह ने इसको आखिरी में निकाला है 2017 में शायद इनको हटाया है अच्छा उससे पहले उसके पहले अच्छा 16 होगा 2017 के जस्ट पहले जाके पहले इससे मिले हाँ पहले इससे मिले मैंने सीधा हवाई अड्डे में तो वो फोटो काफ़ी वायरल हुआ था वो है मेरे पास अभी भी और जहाँ ये मोदी को बोल रहा है ये मतलब मैसेज ये भी है ना ऑडियो भी मोदी को ये बोल रहा है ये है कांग्रेस का नेता तो नहीं था ये भाजपा का नेता मगर मोदी को बोल रहे हैं सर 2 साल के भीतर नक्सलवाद मैं ख़त्म करूँगा बिल्कुल नेता की तरह बोल रहे हैं उसी समय से अपने को लग गया था नहीं मैं ये पूछ रहा मगर मगर उसके बाद प्रेशर ऐसा बना विशेषकर बेला भाटिया के साथ जो घटना घटी उसने जो है इसको वहाँ से निकलने के लिए मजबूर अच्छा मतलब सरकार भी दबाव में आई फिर हटाना ही पड़े क्या हुआ इतना घटना बेला भाटिया के साथ है क्यों इतना इम्पोर्टेंट नहीं बेला भाटिया वाला मामला फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन गया था काफ़ी बेला भाटिया सोनी सूरी वाला तो नहीं बोल रहे हैं नहीं सोनी सूरी वाला मामले में से शुरू हो गया था मेरे साथ वाले मामले में शुरू हो गया था मगर बेला भाटिया के साथ जो हुआ उसके घर में जाके तोड़फोड़ हुआ ये कल्लूरी के ही लोगों ने कल्लूरी ने एक अलग संस्था बनाया था ना अच्छा कल्लूरी का काम करने का तरीका वही है जैसे कि यूपी में अभी योगी जी कर रहे हैं तो ये अब तो मेरे ख्याल से पुलिस में भी ये लोग घुसा दिए हैं लग रहा है अपने लोगों को अलग संस्था मतलब क्या बनाया था इसने इसने अग्नि करके एक बनाया था तो ये अकेला काम करता था या इसका टीम था पूरा टीम और टीम में सारे गुंडे लोग अच्छा असामाजिक तत्व तो जितने कितने कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोग अच्छा अच्छा कांग्रेस और भाजपा दोनों हाँ दोनों के लोग थे सामाजिक एकता मंच अच्छा एक बनाया था जिसका काम ही था कि जहाँ जहाँ नन्नी सुंदर जाए उसका पीछा करना है उसका विरोध करना है कमल शुक्ला जाए उसको घेरना है मारना है हिमांशु कुमार अगर कहीं दिख रहे हैं तो उसको खोजो और मारो जब महेंद्र कर्मा थे ना उस टाइम इसका कल्लूरी का साथ कुछ था संबंध बहुत बढ़िया संबंध था अच्छी ट्यूनिंग थी अच्छा। और महेंद्र कर्मा कांग्रेस का नेता था कांग्रेस के नेता को इन्होंने सामने रख के प्रतिपक्ष का नेता था और वो भी कांग्रेस का ही नेता नहीं मध्य छत्तीसगढ़ में प्रतिपक्ष का नेता था और इसको ये 14वें मंत्री के रूप में वहाँ इस्तेमाल किए और महेंद्र कर्मा का ही चेहरा सामने रख के वास्तव में इसके पीछे जाएंगे ना तो यह महेंद्र वहाँ पे महेंद्र कर्मा को लेकर आप सोचेंगे तो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ को तुलना करें या दूसरे आदिवासी इलाकों से तो बस्तर के आदिवासी क्या ज़्यादा मतलब राजनीति में स्वयं से आगे नहीं है वो मोहरे के रूप में है राजनीति में उनको केवल प्रयोग किया जाता है जो आरक्षित क्षेत्र है वहाँ से एक मोहरे के रूप में सामने रख दिया जाता है चेहरा और ढूंढ के ऐसा चेहरा ढूंढा जाता है जो ज़्यादा दिमाग ना हो तो वहाँ के टिकट की योग्यता ये है अगर विधानसभा भाजपा या कांग्रेस दोनों में बताऊँ टिकट के लिए योग्यता ये है कि आप मूर्ख हो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो और आप इनके कहने से कहीं भी कुछ भी दस्तखत करने कुछ भी करने के लिए तैयार हो और टोटल जो राजनीति है वो गैर आदिवासियों के ही कब्जे में है ब्राह्मण ठाकुरों के कब्जे में है जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जाके आज जो वहाँ जाके बैठे हैं उनके कब्जे में है अब उन्हीं के पैसे से चुनाव लड़ा जाता है और उन्हीं के कार्यकर्ता प्रचार करते हैं आदिवासी तो कार्यकर्ता भी नहीं
लेकिन महेंद्र कर्मा क्यों इसमें से जो आप बोल रहे हैं इसमें थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? महेंद्र कर्मा देखिए वो तो बहुत जमींदार, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि सीपीआई जमींदार आदमी था सीपीआई से शुरू किया, सीपीआई ने उसको पहले कैंडिडेट क्यों बनाया, सीपीआई ने जोड़ा किस आधार पे, वो सिखाया क्या उसको? जमींदारी रहा शुरू से लेकर और आखिर तक जमींदार रहा। जब मरा उस समय तो उसने 1200 से और ज्यादा एकड़ जमीन कब्जा कर लिया था आदिवासियों, बाद में माओवादियों ने बांटा, फिर उसके बेटे और सबसे सहमति हुई तो उनके बेटे ने भी समझौता किया और बांटने दिया, तो बहुत सारे गांव में उन्होंने जो कब्जा कर रखा था माओवादियों ने वो जमीन को फिर से आदिवासियों को बांट दिया। आदिवासियों को बांट दिया जी। अच्छा। जी। और महेंद्र कर्मा का बेटा ने कुछ उसमें नहीं, उसमें इंटरफेयर नहीं किया, अंडरस्टैंडिंग था। अच्छा, तो सीपीआई में जो गया तो उस टाइम भी तो ये बहुत बड़ा जमींदार, ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। अच्छा, और सीपीआई के पास उस समय जो है आदिवासी नेतृत्व तो नहीं थे ज्यादा, सीपीएम तो आदिवासी नेतृत्व तो के बिना ही खत्म हो गई, काम किया उन्होंने मगर एक जने भी आदिवासी नहीं खड़ा कर पाया। उस टाइम सीपीआई ने महेंद्र कर्मा को सद लिया जी, मगर इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, सीपीआई से हारा उस टाइम। ये मनीष कुंजाम ये सब नहीं है सीन में? नहीं नहीं थे, हालांकि सीपीआई तीन विधायक, अच्छा, अविभाजित मध्य प्रदेश में तीन विधायक हुआ करते थे, एक दंतेवाड़ा से हुआ करते थे, महेंद्र कर्मा हारा। अच्छा। उसके बाद फिर विधायक बनना वहाँ खत्म हुआ। अच्छा, तो महेंद्र कर्मा जो है हारने के बाद काफ़ी दिन तक राजनीति से अलग थलग पड़ गया था। फिर इसका राजनीति में उभार तब आया जब छठी अनुसूची को लेके पूरा बस्तर में और छत्तीसगढ़ में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ आदिवासी इलाकों में, तो बड़ा आंदोलन शुरू हुआ तो जो गैर आदिवासी जो लोग हैं वो अपना नेता के रूप में इसको चुन के आदिवासियों के खिलाफ आंदोलन कराए, जिसमें भी अरुण नेताम की राजनीति खत्म हो गई। अच्छा, एक समय बहुत अरुण नेताम उसी समय की बात कर रहा हूँ, पी ए संगमा और कमलनाथ तीनों की बढ़िया जोड़ी जम रही थी और अच्छे मतलब बुद्धिजीवी मतलब आदिवासियों में पढ़े लिखे हैं, मगर राजनीतिक समझ अच्छी है करके ही उनको पार्टी ने इन्वाइट किया, क्योंकि वहाँ पे लोकल जो कार्यकर्ता है समझ लो, सोहन पुटाई जो भाजपा के नेता सांसद हुआ करते थे, सोहन पुटाई को भी आज पार्टी भाजपा ने अलग थलग कर दिया। नंद कुमार साय, ये मैं सोचता हूँ सारे से आदिवासी लोगों की हालत, मगर झारखंड में ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता कि झारखंड में आदिवासी यानी मुख्य धारा में आ गए हैं, हाँ, मगर यहाँ हमारे यहाँ नहीं है। तो वहाँ जैसे ही अरविंद नेताम जैसा व्यक्ति या सोहन पोटे जैसा व्यक्ति जब अपनी बात कहने लगता है तो उनको फिर किनारे कर दिया जाता है, और महेंद्र कर्मा पूरी तरह से उनके उनके मतलब जो बस्तर के शोषक तबका मैं बोलूँगा जिन्होंने शोषण किया पूरा आके, तो नकुलनार गांव में पूरे सारे ठाकुर ही लोग, बड़ा मंडी बड़ा सारा चीज़, ये सब वही लोग हैं जो चिरंजी के बदले में नमक दिया करते थे आदिवासियों। तो माओवादियों के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों को नहीं इन्हीं लोगों को था, तो इन्होंने खड़ा किया था आंदोलन सलवा जी। अच्छा 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 और सरोजनी वाले, हाँ नकुलनार वाले और तमाम और दूसरे जगहों के भी जो गैर आदिवासी हैं, आदिवासियों का आंदोलन करके उसको बदनाम किया गया, आदिवासियों का कहीं से आंदोलन नहीं था, बस महेंद्र कर्मा का एक चेहरा था। अच्छा। बाकी जितने भी कार्यकर्ता वहाँ थे और जो आज मारे गए हैं उसका अब लिस्ट निकालेंगे, जो आज उसमें सक्रिय थे जो मारे गए हैं सलवा जुर्म के कारण मारे गए, माओवादियों ने मारा वो सारे गैर आदिवासी लोग। अच्छा, इसमें एक भी आदिवासी चेहरा नहीं पाएंगे। अच्छा, अभी भी जो जिंदा है 4-5 लोग, लेकिन ऊपर में चेहरा आ गया महेंद्र कर्मा का आगे करके उसको आगे। हाँ जी जी, अब महेंद्र कर्मा पूरी तरह से उसी समय से छठी, आप बताइए छठी अनुसूची का विरोध कोई आदिवासी नेता कैसे कर सकता है? क्यों कर रहा था वो, क्या था? केवल उसको राजनीति में फिर से सक्रिय होने के लिए मौका मिल गया। अच्छा, और उसी के बाद वो राजनीति में आ गया, फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना गया, तो वहाँ तो चुना वही जाएगा जिसको गैर आदिवासी तय करेंगे, क्योंकि सिक्स शेड्यूल। और महेंद्र कर्मा तो एक ऐसा नेता था जो भाजपा और कांग्रेस दोनों का नेता था। अच्छा, और जब भी जनता के पक्ष में आंदोलन हुआ तो महेंद्र कर्मा जनता के खिलाफ खड़े होता था। नहीं, चूंकि सिक्स शेड्यूल तो गैर आदिवासी भी विरोध नहीं करता था, हाँ, तो ये आदिवासियों के क्यों विरोध कर रहा है? नहीं, गैर आदिवासी कर रहे, गैर आदिवासी वहाँ पे एक
एक दहशत का माहौल बन गया था अच्छा बस्तर में कि हमको अपना गांव छोड़ना पड़ेगा जमीन सारा। तो ये आपका 2007-08 का बात होगा? नहीं और पहले की बात है। फिर अरविंद ताम को उसी समय हवाला प्रकरण में फिर पहले फंसा दिया गया। हवाला वाला कांड नहीं हुआ था जिसमें हवाला वाला हाँ जिसमें अरविंद ताम ने स्वीकार कर लिया हाँ मैंने इतने पैसे ये सब किए करके, तो फिर मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ये है 1995 अच्छा पंचानवे छियानवे के बाद मतलब ये जो मतलब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश। ये सब जो आप बता रहे हैं कि भाई गैर आदिवासी जो बिजनेस वगैरह में अच्छा जमा रहे थे उनको ये लगा कि शायद उनको पूरा विस्थापित किया जाएगा। हाँ, ये छठी अनुसूची आंदोलन मगर सलवा जुलूम का आंदोलन अभी मतलब 2008-09 2008-09 का है मतलब छठी अनुसूची वाला 1995-96 में चल रहा है। जी जी तो उसी टाइम ये हो गया था महेंद्र कर्मा नेता बन के उभरा और फिर CPI का पूरा चरित्र और सारा कुछ उसने छोड़ दिया था और वो पूरी तरह से मौका परस्त अच्छा राजनीति और जिसमें कई चीजें इस बीच और हुई है। ब्रह्मदेव शर्मा को याद है आपको बीडी शर्मा ब्रह्मदेव तो बीडी शर्मा अपना बोध घाट परियोजना के विरोध में एक बड़ा आंदोलन चला उनको जो ऐसा मार के घुमाया नंगा करके घुमाया तो उसका सबसे प्रत्यक्ष दर्शी मैं रहा हूँ और केवल मेरे ही अखबार ने उसको छापा था बाकी कोई अखबार नहीं छापा था और हमारे ही अखबार फिर पूरा देश भर में पहुँचा दंड कारण समाचार वहाँ पे जी तुषार कांति बोस अच्छा उनके भाई जो है उस समय गृह मंत्री थे। दंड कांड प्रोजेक्ट के तहत जो है बांग्लादेशी शरणार्थियों को जब बस्तर में बसाया जाना था उस समय अच्छा 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 तो जब बीडी शर्मा के साथ ये घटना हुआ उनको जो ह्यूमिलिएट करके नंगा इसमें पूरा महेंद्र कर्मा उनके साथ था अच्छा महेंद्र कर्मा उसमें है उस टाइम हाँ अत्याचारियों के साथ था अच्छा 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 तो महेंद्र कर्मा का चरित्र शुरू से ही जो है आदिवासी विरोधी रहा अच्छा और उसका कहीं से भी उनके परिवार में भी आप संस्कृति देखिएगा उसके परिवार में कहीं से आदिवासी संस्कृति नहीं है। अच्छा हालांकि RSS के संपर्क में आए बिना ही वो हिंदू हो चुके हैं। अच्छा वो हिंदू का उनका तो अच्छा। दाह संस्कार किया गया ना उसी गांव अच्छा। में जहां पे दूसरे लोगों का दफनाया जाता है वहाँ महेंद्र कर्मा का दाह संस्कार हुआ पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज से पंडित वंडित बुला के सारा वो उस तरह का पिंड विंड वाला जो बता सारा तो महेंद्र कर्मा को वहाँ के आदिवासी आदिवासी नहीं मानते। अच्छा 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 फिर भी सरकार ने उसी के नाम से विश्वविद्यालय और बहुत सारा चीज़ क्या कर रख दिया एक बहुत दुखद है और कर्मा के नाम से सब कर रहे हैं। और महेंद्र कर्मा उन बहुत सारी रैलियों में खुद सामने में शामिल रहा है जब वहाँ की लड़कियों के साथ बलात्कार करवाया उसने अपने मतलब है ले जाओ अंदर ले जाओ इसको खुद और आपको पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं महेंद्र कर्मा को जब मारा गया तो आपने ये बात सुना होगा कि उसके शरीर में कुछ लड़कियां नाची सुने हैं कि नहीं उसमें से 3 लड़कियां वही हैं जिनके साथ महेंद्र कर्मा ने सामने में बलात्कार करवाया था। जब जिस दिन महेंद्र कर्मा ख़त्म हुआ उसके बाद मेरे ब्लॉग में होगा रिपोर्ट मैंने दूसरे दिन 25 मई को घटना घटी 26 मई को मैंने लिखा था कि जिसको भारत सरकार सजा नहीं दे पाई तमाम अपराधों के लिए उसको किसी और सरकार ने सजा दे दी है तो गलत क्या तो नहीं ये बस्तर टाइगर वगैरह जो बन रहा है तो वो तो महेंद्र कर्मा गैर आदिवासियों ने टाइगर बनाया उसको अभी का जो बन रहा है हम लोग महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर बस्तर हाँ वही जब दांतेवाड़ा गीदम गीदम में थे तो केवल गैर आदिवासियों का बड़ा बड़ा पोस्टर दिखा बस्तर टाइगर्स कर जी 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 और उसमें पोस्टर में जितने नाम है अगर आप एक फोटो खींचे हो तो दिखाई तो उसमें ठाकुर शुक्ला तिवारी इन लोगों के नाम होंगे। मुझे तो लगा वो एक जो चेहरा का उधर था शायद वो मर गया है या अभी जिंदा है बस्तर टाइगर करके जो पोस्टर था वो आदिवासी जैसा लग रहा है मुझे आदिवासी नहीं है किसी एक का तो यूज कर रहा होगा ना हो सकता है एक आध दो सुनिए जब हम लोग वहाँ से वापस आए हम लोग बाई बस हम लोग बीजापुर से दांतेवाड़ा गीदम गीदम से फिर हम लोग दांतेवाड़ा गए दांतेवाड़ा बस स्टैंड में 5:30-6 बजे शाम को हम लोग वहाँ उतरे और ऐसे हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग दांतेवाड़ा में थे तो बस स्टैंड में ना 4-5 एकदम जवान आदिवासी लड़के 17-18 साल का होंगे वो लड़के सब जी 17-18 साल के होंगे इतना बड़ा बड़ा बंदूक लेके खड़ा है और वहाँ बीच में दो मुस्टांडा वहाँ बैठ के चाय समोसा ले रहे थे
और बहुत बड़ा स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ा था वहाँ, तो ये साफ था कि ये 4-5 लड़के सिविल ड्रेस में थे। महीन कर्म का लड़का हो सकता है, उनको गार्ड कर रहा था। महीन कर्म का लड़का है, स्कॉर्पियो बोल रहे हैं ना। हाँ। और उसके पास जो है 10-12 स्कॉर्पियो सेम नंबर की गाड़ी है, तो अभी भी उसको डर है, अभी भी ऐसे अभी भी डर है। मगर हालांकि अब समझौते में चल रहे हैं। उसकी जो माँ है विधायक, तो वो आदिवासियों के मुद्दे उठाना शुरू कर दी है। अच्छा। अभी मुख्यमंत्री के पास विरोध दर्ज कराने में वो भी थी। अच्छा। बोध घाट परियोजना को लेकर, मतलब महेंद्र कर्मा का बीवी। अच्छा, मतलब अब महेंद्र कर्मा के नीति से दूसरे तरफ चल रहे हैं, अपनी जान बचाने की ओर चल रहे हैं। लेकिन महेंद्र कर्मा में हिम्मत कैसे आया ये करने? महेंद्र कर्मा में हिम्मत सरकार ने दिया, और वैसे वो था भी जिद्दी आदमी। अच्छा। एक चीज तो था उसके अंदर में, जिद था। जिद था और दिमाग कम था, तो ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। किस ढंग से माउस का वर्णन किया था उनके शब्दों में, क्या कहते थे माउस के बारे में? कुछ चुनिंदा शब्द प्रयोग किए होंगे वो? विकास विरोधी। अच्छा। सबसे उसका चुनिंदा शब्द यही था, विकास विरोधी। माउस के कारण से विकास नहीं हो रहा है, वो चाहता, वो उसका विकास का परिभाषा यही था महेंद्र कर्मा का, कि आदिवासी अच्छे लग दग कपड़े में दिखें और पूरा गांव-गांव में बिजली जगमगाता रहे। वो अगर मूल, मेरे को तो उसके संदेह है कि आदिवासी वो था भी कि नहीं था। जिस ढंग से उसका चरित्र था, जिस ढंग से उसका बातचीत का अंदाज था, कर्मा टाइटल तो होता है आदिवासी। हाँ, कर्मा होता है, होता है, मगर उसका कोई भी एक संस्कार आदिवासियों के साथ नहीं मिलता है इनका, इसके परिवार का। एक तो मैंने बताया कि दाह संस्कार, पूरा हिंदू रीति रिवाज। दूसरा, अपने आप को हिंदू साबित करने में लगा रहता था। और आदिवासियों को भी के बारे में भी बोलता था कि हिंदू छे, मतलब वो, हालांकि मेरी जानकारी में आरएसएस के प्रभाव में कब आया मैं नहीं जानता, मगर ये अपने आप को हिंदू मानता था और आदिवासी संस्कृति से इसका कोई दूर कभी नाता नहीं था। जैसे कि आज कवासी लखमा एक वहाँ के मंत्री हैं, तो कवासी लखमा के बारे में आप देखोगे कि मंत्री हैं और अभी भी वो सेल्फी के पेड़ में चढ़ना जानते हैं, उतरना जानते हैं। ये महुआ को पीने को जो है अपने लिए वो मानता था, मतलब हीन भावना। हाँ, मैं सामने बैठ चुका हूँ तो मैं इसके सामने महुआ लिया तो एकदम घृणा से देखा था मेरे को, वाह ऐसा कर, मतलब मैं तो महुआ ही लूँगा। तो जब ताड़मेटला का घटना जब होता है, जिसमें गांवों को जलाया जाता है ना, कितने लोगों को मार दिया कल्लूरी केस में, उस टाइम तो महेंद्र कर्मा जिंदा है ना? हाँ, जिंदा है। और महेंद्र कर्मा घुसने से रोकने वालों में शामिल था। अच्छा। सर्वज रूम वालों के साथ शामिल था। अच्छा। तो इन्होंने कमिश्नर तक को घुसने नहीं दिया, कलेक्टर को भी घुसने नहीं दिया। और कमिश्नर श्रीनिवास लू थे मेरे को याद है, और वो जो है इनके सहपाठी रहे हैं कल्लूरी के। अच्छा। हाँ, तो कल्लूरी और ये दोनों में जब हार्ट अटैक हो रहा था तो मैं बगल में खड़ा था श्रीनिवास लू के। अच्छा। अब फोन को उसने वो कर दिया था स्पीकर ऑन। अच्छा। ताकि सारे पत्रकार सुने। कहाँ से फोन आ रहा था? कल्लूरी कर रहा था वहाँ से। अच्छा, श्रीनिवास लू उसको स्पीकर। हाँ, और श्रीनिवास लू उसको बार बार बोल रहा था और सब पत्रकार सुन रहे हैं। हाँ, पूरा सुन रहे हैं। श्रीनिवास लू भी गाली दे रहे हैं, क्या क्या अंग्रेजी की जितनी गालियाँ हैं सब दे रहे थे एक दूसरे। तो कल्लूरी क्या बोल रहा है इसको? बोल रहा है कि मैं जाने ही नहीं दूंगा। श्रीनिवास लू वहाँ पे वो सामान लेके जा रहा था, चावल दाल सारे और सरकार की तरफ से। हाँ, 2-3 ट्रक में, मगर इसने जाने ही नहीं दिया। वो भी सरकार के लोग हैं? हाँ, सरकार जी, कमिश्नर है। हाँ, जिसके अंदर में वो नौकरी करता था कल्लूरी। हाँ, और कल्लूरी बोल रहे जाने नहीं। कल्लूरी तो एसपी था। कलेक्टर उसको रोक सकता था। हाँ। तो कलेक्टर और कमिश्नर, उस कमिश्नर के अंदर में 3 कलेक्टर हुआ करते थे उस समय। हाँ। मतलब 3 एसपी हुआ करते थे। हाँ। जिसमें से एक भी था। हाँ। नहीं जाने दी। बाद में स्वामी अग्निवेश के साथ की टीम गई, उसमें भी मैं था। स्वामी अग्निवेश की गाड़ी में मैं बैठा था। अच्छा। हाँ, और बार बार बोलने के बाद भी मेरा बयान ही नहीं लिया इन्होंने, एनआईए और सब ने। हाँ, ये भी सुना कि जब सेंटर से सीबीआई की टीम गई थी। हाँ, उनको भी मार के भगाए लोग। स्थिति ये थी कि मनीष कुंजाम का सब में कल्लूरी चढ़ जाता है और माइक को छीन लेता है और नारा लगवाता है कल्लूरी, नेता टाइप का, माओवाद, तो जनता चुप है। तो ये फिर बोलता था मुर्दाबाद बोलो, ए पुलिस वाले देखो उनको, मुर्दाबाद बोलो। पूरा चाहो तब से पुलिस घेर के सीपीआई के प्रोग्राम में आप मनीष कुंजाम से पूछ सकते। सीबीआई की टीम को सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दे के ले जा रहा है अभी।
नहीं उस टाइम का जो बात है ना, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने शायद इंटरव्यू किया था, फिर उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई का टीम पहुंचती है वहां पे, सीआरपीएफ और पुलिस पे झड़प लग रहा है सुना। हाँ ये बताइए ना, ये कौन सा था? देखिए लोकल पुलिस, लोकल पुलिस में ज़्यादातर आपने एक नया नाम सुना होगा, डीआरजी। अब तो अब बस्तर बटालियन हो गया, और ये बस्तर बटालियन और डीआरजी में सारे उन लोगों को भर्ती की गई जो सलवज रूम में जो गुंडे जो बंदूक उनको पहले ही थमा दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था। उस समय कल्लूरी सबके लिए ड्रमो ड्रम दारू का व्यवस्था करता था, जहाँ कार्यक्रम होना रहता था ना, आज तीन गांवों को भगाना है तो तीन गांवों को भगाने से पहले कई ड्रम दारू निकलता था, फिर मुर्गे और बकरे खाए जाते थे जो गाँव वालों से ही छीन के लाए रहते थे, तो वो सब करने का इसका कुछ खर्चा भी होता था, तो कभी पीडब्ल्यू वहन कर रही है, कभी एरीगेशन वहन कर रही है, कभी दूसरे विभाग वहन कर रहे हैं। इतना उसने सिस्टमेटिक पूरा व्यवस्था बनाया था और पूरा सरकार उसके साथ, और सबसे बड़ा उसका जो मंच था जिसके कारण से ताकत था वो था असामाजिक लोगों का मंच, जो भाजपा और कांग्रेस के वो नेता जिनको सप्लाई और ठेकेदार वो तीन गांव को खत्म करना है। हाँ तो आज जो है दारू पार्टी होगी, उसके बाद दारू वारू पीने के बाद सब निकलेंगे डंडे लाठी बंदूक सबके साथ और दौड़ो मारो, महीन कर में भी रहता था इनके साथ। तो ये रात को होता था शायद, रात को नहीं दिन को भी, रात को भी कभी, हाँ दिन को भी होता था। अब वो गांव वालों को जब पता चला कि आ रहे हैं करके तो वो लोग जंगलों में पहाड़ों में घुस जाते थे, मगर तब भी बुजुर्ग लोग और ये सबको तो ये लोग खेल लेते थे, तो फिर घर में आग लगा देते थे सबके, भेड़ बकरी तक को छीन के ले आते थे। लोग भागे हैं तो अपना सब कुछ छोड़ के भागे, मतलब इतना अत्याचार मैं सोचता हूँ पाकिस्तान और उसके विभाजन के समय भी नहीं हुआ होगा जितना सरोज के समय आदिवासियों के साथ हुआ। कम से कम 1.5 लाख लोग माइग्रेट किए हैं, सरकार के पास आंकड़े नहीं है। तो ये ताड़बेटला में हुआ, फिर गोमपट में भी तो हुआ है, गोमपाड़ में तो कई बार हुआ, कई बार हुआ। हाँ और दूसरा आप सरपंचों की स्थिति जानते हैं, गोमपाड़ का अभी भी सरपंच है जो अपने गोमपाड़ को पिछले 15-20 सालों से नहीं देखा है, और गोमपाड़ के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो पैसा निकला उसको भी उसने फर्जी खाते बना के खा गया। ये जो सरपंच बाहर रहने का जो है ये क्यों, चूंकि वो कुछ आदिवासी, हमारा ही एक लोकतांत्रिक देश है भारत जहाँ पे ऐसा हो सकता है और ऐसा है। हमारे अबूझमाड़ के तो 18 सरपंच बाहर रहते हैं, वो उन्होंने अपने गांव नहीं देखे और गांव वाले उसको चाहते भी नहीं है सही मायने। हाँ नहीं चाहते, माओवादी को फायदा हुआ सोलह जून से, उनका पार्टी के मेंबरशिप बढ़ा, लड़के लड़कियों की संख्या बढ़ी, वार ग्रुप का संख्या बढ़ा। लोग क्या करेंगे, अपने सामने माँ का बलात्कार होते देख रहे हैं, अपनी बहन का बलात्कार होते देख रहे हैं, बहन अपने भाई की हत्या होते देख रही है, तो क्या करेंगे, उनके पास तो कोई रास्ता नहीं था। आज अगर माओवादियों की टीम में जो 25 आज भी पुलिस जो बनाती है वहाँ पे मुठभेड़ का और आत्मसमर्पण का, तो कितने कौन लोग रहते हैं, वही 20 साल 25 साल 26 साल, ये सब उस समय बच्चे थे। सरोज रूम के समय अपनी आंखों से उन्होंने सारा तमाशा देखा है, और कुछ कहानियाँ तो मेरे को बहुत याद है। अभी एक लड़के का आँख का मेरे को याद आ जा रहा है कि जब मैंने वो रिपोर्टिंग करने गया, ये जगह है हूल घाट करके नॉर्थ बस्तर में पड़ता है, तो धान आने का समय था, धान जब आता है ना तो लोग लिपाई करते हैं और उसमें एक जगह का हाँ कोठार बोलते हैं और उसमें जो है रखते हैं और मिसाई करते हैं वहीं, तो उसके लिए लिपाई कर रही थी लड़की, वो लड़की की 16 दिन बाद शादी थी उस घटना की, और हरा रंग की साड़ी पहनी हुई थी हरे रंग की, और लड़की का जो बाप था बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा, गांव का सबसे हट्टा कट्टा आदमी था, वो अपने हम कांवर बोलते हैं, कांवर में दोनों तरफ टीन का लेके एक पैकेज, उसमें पानी लेके आ रहा था, तो दो खेत के पहले उसकी लाश गिरी थी और एक तरफ पानी बचा हुआ था, एक तरफ का पानी गिर गया था। इस पार्ट का मेरे पास फोटो वोटो सब है, मेरे ब्लॉग में मिलेगा hotul.blog.in में। तो ये 2005-06 की घटना है, छः की घटना है, तो
हाँ, तब तक इनका सरोजिनी नायडू का षड्यंत्र चालू हो गया था ना। अच्छा 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 2003 में भाजपा की सरकार आ गई थी, आरएसएस वालों ने ही शुरू किया था ना, जय श्री राम से शुरू किया था, मतलब मंदिर में भजन के साथ। ये सरोजिनी, हाँ सरोजिनी, हाँ आगे बढ़ाना है। वो लड़के कहाँ पता चला कि वो डिवीजन कमांडर है। ओ, तो लड़के का जो छोटा भाई उस समय उसके से 7-8 साल का था, 2006-07 में जब ये घटना है, 7-8 साल का था, अभी डिवीजन कमांडर है। तो जब मैं उसको सवाल किया तो एक भी सवाल का जवाब नहीं। मैंने गांव वाले से पूछा भी कि ये गुंगा है क्या, तो बोले नहीं, और मेरे को घूर घूर के देखता था। बस बस वही याद है। अब क्या सवाल किया था उसको? मैं उसको पूछता था कि मतलब पूछा कि हुआ क्या था घटना उठना, कोई जवाब नहीं दिया। बस उसी दिन से गुस्से में था, उसके गुस्से को देख के मैंने ये ताड़मेटला वाला देख के, नहीं नहीं ये अलग है, अच्छा ये वाला फुलघाट वाला मामला। उसको गुस्से को देख के मेरे को एहसास हो गया था कि वो अब क्या करेगा, वो क्या करेगा। डिवीजन कमांडर, डिवीजन कमांडर, इन्होंने पुलिस वाले क्या है, देखे जाते हैं बहुत हताशा में रहते हैं, और पैदल चलना, अपने घर से अलग रहना, पत्नी से अलग रहना, जो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं वो हताशा में गुस्से में गांव वालों पे गुस्सा उतार देते हैं। उनको पता चला कि पास के पहाड़ में कैंप लगा था माओवादियों का, तो कैंप तक पहुँचे तो माओवादी तो निकल चुके थे, मगर उन्होंने वापस आके एक गांव वालों पे अपना पूरा निकाल दिया और गांव को सब घर के दरवाजा को तोड़ दिया, वो जो धान जो जमा था उसमें आग लगा दिए, ये सब करके आए और वो लड़की को मार दिया। अच्छा, उसको ड्रेस पहना के, नया ड्रेस पहना के पत्रकारों के सामने पेश किए। पत्रकारों के सामने जब पेश कर रहे थे उसी समय मैं फील्ड में था। अच्छा, तो फील्ड में खून वून सारी चीज़ का मैंने मैंने बहुत कोशिश किया कि फोरेंसिक जाँच हो, बस्तर के किसी मामले का फोरेंसिक जाँच होता ही नहीं, करते नहीं लोग। अब दंडाधिकारी जांच की घोषणा करते हैं, उसमें आदिवासियों को आने नहीं देती पहले तो पुलिस, अगर वो शहर में दंडाधिकारी बैठता है, एसडीएम गांव तो जाता नहीं, अब वो एसडीएम है ना, कलेक्टर के अंदर काम कर रहा है और एसपी के अंदर काम कर रहा है, तो जांच तो ऑलरेडी वो कैसा करना है उसको मालूम है। जाँच के बिंदु में ही आप जितने आप जाँच के बिंदु आप देखेंगे दंडाधिकारी जाँच का, वही हास्यास्पद है और आप उसमें हंस पड़ेंगे और दूसरा क्या है रो भी पड़ेंगे। मतलब जाँच में ये लोग तय करते हैं कि रामलाल नक्सली की मौत, तुम कैसे तय कर सकते हो कि रामलाल नक्सली था, तो वहाँ से शुरू हो जाता है पूरा खेल। अब वो गांव वाले आना भी चाहेंगे तो पुलिस वाले रोक देते हैं, तो दंडाधिकारी जांच इस तरह से अधूरे पड़े हैं सब और धूल खाते पड़े हैं, किसी मामले में कोई फैसला होता नहीं है। कोई मामला मानवाधिकार तक पहुँच गया, 1.5 मीटर ताड़ में ऐसा मामला, उसमें फैसला भी आ गया तो सरकार उसको क्रियान्वित नहीं कर रही। नॉर्थ छत्तीसगढ़ की एक लड़की है, वो वाला मामला भी आप सुने होंगे, बहुत चर्चित नाम है मगर भूल रहा हूँ मैं भी, उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर बाद में 9 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर दी। अच्छा, तो आपने जो बताया ना कि ये जो 1994-95 में जब गैर आदिवासी जो एक जो ठाकुर लोग थे है ना, वो लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि उनको वहाँ से उच्छेद किया जाएगा। केवल ठाकुर लोग नहीं थे उसमें, अच्छा मतलब गैर, मैंने कुछ उदाहरण बताया, ठाकुर ब्राह्मण तमाम वो लोग जो बस्तर से बाहर से वहाँ पे केवल धंधा करने गए। ये क्या जगदलपुर साइड में दांतेवाड़ा, पूरा बस्तर, पूरा बस्तर में फैले हैं वो। अच्छा, और आज वही लोग जो है पैसे वाले हैं, ये वही लोग हैं जो आदिवासियों के साथ मार्केटिंग, जैसे हम लोग गीदम में, गीदम बस स्टैंड में हम लोग जो देखे, हाँ तो गीदम शहर भी जो है पूरा उन्हीं का है। अच्छा, गीदम में भी आप केवल मतलब गैर आदिवासी ही मिलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको ये लगा कि अब ये तो हाँ उनको भगाएंगे, हाँ हाँ
तो वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि उनका अधिकार है वहाँ रहने का, वहाँ व्यवसाय करने का अधिकार है, पैसा बनाने का उनका अधिकार है, वही सोच रहे हैं ना, वो वही सोच रहे हैं। और हमको ये लोग हटाएंगे, हम नहीं हटेंगे तो हमारा सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम जो गैर आदिवासी ये सोच रहा था कि उनको वहाँ से हटाया जाएगा, उस टाइम क्या कुछ पहल हुआ सिविल सोसाइटी की तरफ से, सरकार के तरफ से, या आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में कुछ समन्वय करने का कि भाई ऐसा बात नहीं है? नहीं नहीं, ये हम लोगों ने किया था। हाँ, ये थोड़ा बताइए। हम लोगों ने किया था, ब्रह्मदेव शर्मा जी भी थे उस समय। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया था कि मतलब ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और जो छठी अनुसूची के तहत जो है जो ग्राम सभा और सब जो होगा उसमें जो है उन सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा जो वहाँ पे हैं, मतलब केवल आदिवासी कहीं चलेगा ऐसा नहीं रहेगा। जो स्थायी रूप से अब वहाँ के वासी हो गए हैं उनका भी उतना महत्व रहेगा करके। मगर हमारी बात नहीं चली, हल्ला करने वालों की बात ज़्यादा चल गई, और अरविंद ताम के खिलाफ एक माहौल बन गया था। अरविंद ताम के कार्यकर्ता जो राजेश तिवारी अभी जो है यूपी के प्रभारी थे, हमारे कांकेर के ही हैं। अच्छा, अभी प्रियंका गांधी के खास बन गए हैं। अच्छा जी जी, हमारे सीएम के सलाहकार हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री अभी। हाँ, तो ये जो है अरविंद ताम, मैंने जो बताया आपको कि वहाँ पे कोई भी आदिवासी नेता तभी खड़ा हो सकता है जब गैर आदिवासी नेता उसके पीछे रहे। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें ये राजेश तिवारी वगैरह थे। अच्छा, और महेंद्र कर्मा के पीछे तो एक शुक्ला था, उमा शंकर शुक्ला। अच्छा, तो वो पूरा चलाता था महेंद्र कर्मा को कि कैसे करना है क्या करना है। उमा शंकर शुक्ला जी अभी भी हैं, राज तिवारी जी अभी भी हैं। अच्छा, महेंद्र कर्मा जी नहीं रहे, अरविंद ताम पार्टी में किनारे कर दिए गए। सोहन पोटई को बाल मुकुंद शर्मा करके एक नेता थे ब्राह्मण, वो उनके हिसाब से चलते थे वो। मगर जिस दिन वो अपने समाज के बारे में और फर्जी मुठभोड़ के बारे में बात करना शुरू किए उस दिन उनको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे तमाम नेताओं का हाल है। जब भी वो अपने आप उसका भी हाल देख लीजिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो मुख्यमंत्री बनने के सबसे योग्य खैर वो तो अजीत जोगी बने, ठीक है, मगर अरविंद ताम थे, उनको बनने का मौका नहीं मिला। बीजेपी का शासनकाल आया तो आदिवासी मुख्य तो मंत्री बनना ही चाहिए हमारे यहाँ, जब 35% आदिवासियों की जनसंख्या है। तो नंद कुमार साय को जानते होंगे आप, नहीं जानते हैं तो सर्च करिए नंद कुमार साय। तो बीजेपी में वो एक बीजेपी के हिसाब से सब तरह से वो एक उचित व्यक्ति थे, मतलब आरएसएस के भी थे। अच्छा, और कट्टर हिंदूवादी सोच के थे। अच्छा, मगर केवल आदिवासी हैं करके उनको अलग थलग करते जी। तो इस तरह का है वहाँ राजनीति जो है।